हेलो एवरीवन वेलकम टू कृतिका क्लासेस एक ऐसा चैनल जहाँ पर आपको मिलती है सही और सटीक जानकारी तो जैसे कि आप जानते होंगे कि यूट्यूब शॉर्ट्स के बाद अब लोगों का रुझान फेसबुक रील्स की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि इसका कारण ये है कि अगर आपकी कोई भी रील फ़ेसबुक पर वायरल हो जाती है तो आपको फ़ेसबुक यूट्यूब से ज़्यादा पैसे देता है तो अगर आपने अभी तक फेसबुक पर रील्स डालने के लिए एक फेसबुक पेज नहीं बनाया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि आप एक फेसबुक पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो चलिए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है उसके लिए आपको एक फेसबुक अकाउंट चाहिए होता है मेरी तो आपसे अडव... आपको एडवाइस है कि अगर आप फेसबुक रील्स बनाकर कमाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसके लिए एक अलग नया फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर ले तो चलिए अब हम सबसे पहले एक नया फेसबुक पेज कर, क्रिएट करने से पहले एक फ़ेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले फेसबुक ऐप अप को अपने डिवाइस में अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ले अगर आपका कोई फेसबुक अकाउंट फेसबुक के ऐप में पहले से ही लॉग इन है तो आप उस अकाउंट को सबसे पहले लॉगआउट कर दें लॉगआउट करने के बाद जैसे ही आप दोबारा फ़ेसबुक का ऐप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट तो आपको सबसे पहले इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ज्वाइन फेसबुक के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है तो यहाँ पर आपसे परमिशन मांगी जा रही है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स आपके फ़ोन में जितने भी फ़ोन नंबर सेव है आप उसको फ़ेसबुक के साथ शेयर करना चाहते हैं या नहीं अगर आप इसको अलाउ कर देते हैं तो आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी को आपकी जो प्रोफाइल है वो विज़िबल होगी और आप भी देख पाएंगे कि आपका कौन कौन सा कॉन्टैक्ट फेसबुक पर है तो चलिए अब हम आप चाहे तो इसे अलाउ कर सकते हैं अगर आप नहीं अभी इसे अलाउ करना चाहते तो डिनाई कर सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर हमसे कह रहा है कि हमें अपनी एक ई मेल आई डी यहाँ पर चूज़ करनी है तो आप अपनी कोई भी ई मेल आई डी यहाँ पर चूज़ कर लीजिए नेक्स्ट ऑप्शन है कि हमारी ई मेल आई डी में जो भी नाम था इसने यहाँ से ऑटोमेटिकली उस नाम को डिटेक्ट कर लिया है अगर आप चाहते हैं कि आप उसी नाम से अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही रहने दें अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसमें अपना कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं जैसे इसने यहाँ पर हमारा नेम ले लिया है ऑलरेडी तो मैं चाहती हूँ कि इसमें सरनेम कुछ और हो तो मैं जो यहाँ पर सरनेम है उसे मिटाकर कोई नया सरनेम यहाँ पर एंटर कर देती हूँ उसके बाद हमें नेक्स्ट क्लिक कर देना है नेक्स्ट क्लिक करने के बाद हम हमें यहाँ पर अपनी बर्थ डेट सिलेक्ट कर लेनी है आपको इसके ऊपर नीचे स्क्रॉल करके आप डेट मंथ और ईयर अपना यहाँ पर चूज़ कर पाएंगे उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट हमें अपना यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है जेंडर सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कर देना है यहाँ पर अब हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जा रहा है तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेते हैं हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिया है और अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमसे एक पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है आप कोई भी सिक्स करैक्टर का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर अपना क्रिएट कर लें आप अपने पासवर्ड में अल्फाबेट्स के साथ नंबर्स भी जरूर ऐड करें तो आप एक अच्छा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें अब फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने का लास्ट स्टेप है हमें यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो चलिए अब हम साइन अप ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं अब अब यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो रहा है जैसे ही हम साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग में कुछ सेकंड्स का वक्त लगेगा तो अब हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड आप चाहे तो सेव कर सकते हैं या फिर नोट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर दे आगे आपको यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओ आ जाएगा आपको उसे यहाँ पर फिल कर लेना है और यहाँ पर कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है ऐसा करने से हमारा जो मोबाइल नंबर है वो फेसबुक के पास ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो अब हमने यहाँ पर अपना ओ फिल कर लिया है और कन्फर्म उसको कर दिया है इसमें भी कुछ सेकेंड्स का वक्त लग रहा है नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हमें अपनी प्रोफाइल पिक यहाँ पर सिलेक्ट करनी है तो हम अपनी फ़ोन की गैलरी में से कोई भी प्रोफाइल पिक्चर जो भी हम यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में लगाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो चलिए एक प्रोफाइल पिक मैंने सिलेक्ट कर ली है नेक्स्ट उसे हमें सेव कर देना है इस तरह करने से हमारा फेसबुक अकाउंट रेडी हो जाएगा अब हमारा फेसबुक अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है नेक्स्ट काम हमें करना है एक फेसबुक पेज क्रिएट करना है उसके लिए हम यहाँ पर थ्री लाइंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थ्री लाइंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेजेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको पेजेस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर प्लस का साइन दिखाई देगा जिसके साथ में लिखा होगा क्रिएट अब हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है नेक्स्ट हमें गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना पेज का एक नेम रख लेना है आप जो भी नाम नेम से अपना पेज क्रिएट करना चाहते हैं आप उस नेम को यहाँ पर फिल कर दीजिए तो चलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर पेज का नेम रख रही हूँ पॉजिटिव वाइब्स पेज का नेम फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको अपने पेज की कैटेगरी चूज करनी है कि आपका पेज किस रिलेटेड है अगर आप पर्सनल ब्लॉग्स की वीडियो रील्स उस पर डालना चाहते हैं तो आप उसे पर्सनल ब्लॉग रख सकते हैं हम यहाँ पर एंटरटेनमेंट फिल कर लेते हैं एंटरटेनमेंट फिल करने के बाद यहाँ पर हमें नीचे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इसी में से हमें सिलेक्ट करना होगा तो चलिए एंटरटेनमेंट वेबसाइट यहाँ पर मैंने फ़िल कर लिया है आप चाहे तो कुछ और भी जिस भी रिलेटेड आप अपना पेज क्रिएट कर रहे हैं वो कैटेगरी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फिर हमें नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट अगर आपकी कोई वेबसाइट है जैसे कि कुछ लोगों की वेबसाइट्स होती हैं तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं अभी हम यहाँ पर ऑप्शन है आई डोंट हैव अ वेबसाइट इस ऑप्शन पर यहाँ पर टिक मार्क कर देते हैं फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं अब हमें अपने पेज के लिए एक कवर फोटो लगानी है और एक प्रोफाइल पिक्चर तो आपको अपने फ़ोन की गैलरी में से कोई भी जो भी आप कवर फ़ोटो लगानी चाहते हैं और प्रोफाइल पिक्चर उसे सिलेक्ट कर लेना है तो इस तरह आपका प्रो फेसबुक पेज क्रिएट हो जाएगा अब हमें इसकी कुछ सेटिंग्स कर लेनी है तो आपको सबसे पहले अपना पेज फेसबुक पर ओपन कर लेना है उसके बाद आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाना है सेटिंग सेटिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे कि जनरल सेटिंग जैसे कि हम जनरल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम अपने पेज की कुछ जनरल सेटिंग्स कर सकते हैं जैसे कि इसमें हम मैसेंजर को ऑन करना चाहते हैं या ऑफ इसके अलावा जो हमारी पोस्ट है उसे शेयर शेयर करने की परमिशन देना चाहते हैं या नहीं स्टोरीज़ में और यहीं पर हम अपना पेज भी रिमूव कर सकते हैं पेज की विजिबिलिटी ये कुछ सेटिंग्स है जिसे आप यहाँ पर कर सकते हैं ये तो थी कुछ जनरल सेटिंग्स आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है आपको उसे ही यहाँ पर रहने देना है तो अब आपके फेसबुक पेज पर रील का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अगर आप कोई रील ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप रील के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने कैमरा से अपनी रील बना सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर आपको रील क्रिएट करने के अलग अलग जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे अलग अलग टूल्स दिखाई देंगे और अगर आपने कोई पहले ही वीडियो बनाकर रखी हुई है तो यहाँ पर आपको अपनी गैलरी का ऑप्शन भी नीचे दिखाई दे रहा होगा आप अपनी गैलरी से भी वीडियो चूज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है अगर आपको फेसबुक पेज क्रिएट करने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा तो अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक like करें और, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले वक्त में आपको और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़फुल वीडियोज इस चैनल पर मिलती रहेंगी तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद